Oh, very good evening, guys. Uh, I am Rohit Sharma. I am legal head of Smart Kira and a pass out from Rajiv Gandhi National University of Law. So, today uh, we are going to discuss about the strategy to approach the legal reasoning section of CLAT examination. First of all, those who are not aware, the CLAT exam is now scheduled on August 22nd, 2020. So, we have roughly an amount of around 50 days to clear the CLAT examination. Okay, so in these 50 days, if we are through with around 100 to 125 Good legal topics that have happened in the last uh, one year or two years, and we have a thorough understanding of basic legal concepts like judicial review, judicial activism. What do you mean by it? What do you mean by law as such? Then we are through the legal reasoning section because I found the legal reasoning section to be one of the most easiest sections after GK in the CLAT examination pattern. So in this video, we will discuss on how we will make this section look like a butter. Take technically it is not the most easiest section the easiest section will be english and gk but how we can bring it to the level of english or even more easier than english that we will discuss to sabse pehle hum baat karte hain legal reasoning section ki is baar ka jo clat examination hai aap sab jante hain ki pattern change hua hai पैटर्न चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पैटर्न हमें समझ में ही नहीं आएगा या पैटर्न बिल्कुल uh, किसी आसमानी किताब से ले लिया जाएगा नो द पैटर्न विल बी टेकन फ्रॉम the happenings, the legal happenings that have happened. करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन एज वेल एज इंटरनेशनल लॉज इंटरनेशनल पॉलिसी ठीक है तो सबसे पहले जो आपने इस चीज के लिए जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो है कि आप हंड्रेड टॉपिक्स बनाए हंड्रेड टॉपिक्सल न्यूज है या जो लीगल रिसोर्सेज uh, है जो आपके पास है इंटरनेट पर जो फ्रीली अवेलेबल है कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड वो न्यूज में रहे हैं उसी न्यूज में से मोस्ट प्रोबेबली आप लेकर चल सकते हैं नाइनटी टू एट्टी परसेंट क्वेश्चन ऐसा एक उम्मीद है कि वो क्वेश्चन पूरे के पूरे

कोविड का जैसे इशू है ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है अब कोविड एक सोसाइटी के इशू के हिसाब से आपका अलग इशू है मनी के हिसाब से आपका अलग इशू है लेकिन कोविड के लीगल रेगुलेशंस क्या है जिसकी वजह से ये लॉकडाउन लगा सो so, वो लीगल रेगुलेशन है जैसे एपिडेमिक्स एक्ट लगा इसमें ठीक है ये बहुत पुराना एक्ट है इसमें क्या क्या कमियां है इसमें इसमें इसके थ्रू क्या क्या सरकार ने ट्रेकोनियन प्रोविजन लगाए वो हम इसमें, इसमें डिस्कस कर सकते हैं उसके अलावा एनडीएमए एक्ट है एनडीएमए एक्ट का जैसे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो ये एक रिसेंट लॉ है इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत सारी वाइट पावर्स हैं क्या क्या पावर्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ लेटर से एक्स वाई जेड सिटी डिसाइडेड टू डिसाइडेड टू हैव अ लॉ इन प्लेस इन विच ही मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी टू अदर सिटी फॉर सिक्सन और नॉट इसी टाइप से लीगल रीजन का क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने पहले ही एनडीएम एक्ट पढ़ा हुआ है या अगर एपिडेमिक्स एक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपको बहुत ईजी होगा एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा पेपर में उस चीज को समझने में जितना बाकी लोगों को लगेगा उसी तरीके से कोविड से रिलेटेड है सेक्शन वन फोर्टी फोर तो यहां पर आप भली तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हम एग्जाम के इस क्वेश्चन को और इजी बना सकते हैं लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं एपिडेमिक्स एक्ट आपने कर लिया एनडीएमए कर लिया सेक्शन 144 आपने कर लिया अब दूसरा जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो हुई है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 कब आया था ये कैसे था आर्टिकल 371 और 373 में क्या रिलेशन है आर्टिकल 370 हटाने से क्या फायदे हुए कितने रिजर्वेशन बेनिफिट्स वहां के ओरिजिनल हिंदूज को मिले शेड्यूल कास्ट हिंदूज को क्या वहां पर डोमिसाइल का लॉ इससे प्रभावित हुआ या नहीं हुआ इस सब पे अगर आप पहले से ही थोड़ा सा पढ़कर जाते हैं तो अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसको बहुत ईजिली कर पाएंगे फिर एक डिजिटल टैक्स जो बड़ी बिग फाइव कंपनीज पे लगाने की बात की जा रही है गूगल पे अमेजोन पे गाफा टैक्स पे जिसको बोला जा रहा है डिजिटल टैक्स जिसको बोला जा रहा है तो ये जो टैक्स है ओईसीडी ने अप्रूव कर दिया है यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज इसको मांग रही है इंडिया इसमें टैक्स के लिए मांग रहा है ये आपका इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एक लॉ हो गया जो कि लीगल रीजनिंग में आराम से आ सकता है इसके साथ साथ बेसिक जो आपके रेप लॉज है हर्ट के लॉज हैं क्रिमिनल सेक्शंस है जो आपकी पुरानी बुक्स के क्लैट में अवेलेबल है आप उसको आराम से पढ़ के जाइए उससे आपका लीगल जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है लीगल जीके इंक्रीज होता है जो भी टर्मिनोलॉजी इन क्वेश्चन में आएगी उसको आपको पढ़ने में आसानी मिलती है और इसके साथ साथ जो बाकी लॉ एंट्रेंस है जहां पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है जैसे आईलेट एम एचसेट स्लैट का एग्जाम वहां पर आपको बहुत ही सहूलियत के साथ बहुत ही ईज के साथ आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपको हेल्प क्लैट में भी मिलती है अब बात आती है कि सर हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं स्मार्ट किरा डॉट कॉम पर जाकर आप लॉ सेक्शन को खोलें वहां पर लीगल रीजनिंग के हमने 19 पजल्स डाले हैं न्यू पैटर्न पर और बहुत जल्दी हम उसको ट्वेंटी पजल भी डालेंगे तो अराउंड आपके पास अराउंड फाइव अपने 200 टू 300 हंड्रेड का डाटा बैक वहां पर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है क्लैट ट्वेंटी के लिए है आप उसे जाए और उसे करें उसके बाद एक फ्री मॉक टेस्ट दें जो कि स्मार्ट किड़ा की साइट पे लिंक नीचे डाला हुआ है वो आपको वहां मिलेगा उसको करें जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपको अपनी स्टैंडिंग पता लगती है कि मैं क्लायर 2020 एग्जाम में एक्जैक्टली कहां पर खड़ा हूं अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप वापस यूट्यूब के इस आ, आ, अपने वीडियो पर आए और प्लीज कमेंट करें मैं सारे कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करता हूं तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच अगेन एंड आप प्लीज जाके पजल्स कीजिए और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा सा अपना अपनी स्ट्रैटेजी भी इस स्ट्रैटेजी के साथ बनाइए आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच